जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरु जी टेलीपैथी से कैसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, जैसे जैसे आपका गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, वैसे वैसे आपको खुद पता चलेगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हो। गुरुजी से टेलीपैथी से बात करने के लिए हमें गुरुजी का ध्यान करना पड़ता है। 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और आंख बंद करके उनका सिमरन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। गुरुजी से बात कीजिए कि गुरुजी प्लीज़ मुझे टेलीपैथी के थ्रू इसका आंसर दो, मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। आप धीरे धीरे ऐसे सिमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप सुनेंगे तो आप खुद धीरे धीरे गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर टेलीपैथी के रास्ते पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चल चुके हैं तो आपको खुद अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आवाज़ गुरुजी की आएगी, कोई भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन आपको समझना है कि गुरुजी की आवाज़ है, गुरुजी ही समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब जब आप प्रॉब्लम में होंगे आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कर पाएंगे, टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी क्या सही है और क्या गलत है, एक नहीं 100 आवाज़ आएंगी। फिर आप जैसे जैसे सीख जाओगे आप खुद समझने लग जाओगे कि टेलीपैथी कैसे करते हैं। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जैसे ही आप शांति में बैठ के ध्यान लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी से बात की है। बहुत संगत ये भी पूछती है कि टेलीपैथी होता क्या है, हम गुरुजी से बात ही कैसे कर सकते हैं। टेलीपैथी क्या होती है? बिना किसी यंत्र के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो बात की जाती है, एक से दूसरे के मन में पहुंचाई जाती है, मन के तारों से, अपने मन के तार से दूसरे के मन में मैसेज पहुंचाए जाते हैं, उसे कहते हैं टेलीपैथी। ऐसे ही हम गुरुजी से भी टेलीपैथी से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो धीरे धीरे हमें आंसर्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कब? जब हमारा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब गुरुजी समझ जाते हैं कि हाँ, ये बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे इसको हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से इसको आंसर पहुंचाना है, तो आप उस मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हो। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।